राम राम जी, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम जा रहे हैं हमारे नानी जी को लेके, हमारे मामा जी हैं साथ, पीछे बैठे हैं मम्मी, आपका भाई अमन। तो अभी हम जा रहे हैं चिंतपुनी, नाना जी ने हमारी मन्नत दी थी मंदिर की हो जाएंगे माथा टेकने के लिए, तो आज हम उन्हें लेके जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे रास्ते का व्यू, हम ट्रैवल कर रहे हैं तो चिंतपुनी में हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही मान्य मंदिर है, तो काफ़ी दूर से लोग यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं, काफ़ी लोगों की मन्नतें यहाँ पे पूरी होती हैं। तो आज हम भी जा रहे हैं, चलिए ले चलते हैं फिर वहाँ पे आपको। लेट्स स्टार्ट। देखें मम्मी साथ में हो तो बस यही है कि भाई कुछ ना कुछ पेठा खा लो, ये खा लो, वो खा लो। मम्मी होर क्या है, होर क्या है पोटली से, और कुछ नहीं है। रास्ते में लेंगे, रास्ते में क्या लेंगे, जो तू खाएगा वही लेके। मैंने तुझे क्या खाना, ठीक है नानी सनी, चलेगी। मदर ने जब जिसको बुलाया वो तभी जाएगा। चले जी अभी चलते हैं भाई। कई चीजें बड़ी अच्छी हुई है कि जो चीज जो जो टाइम जब हो, जो काम जब होना है वो तभी होना है, तो बिलीव करें, विश्वास रखें, सब हो गया। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ना, तो अभी भी एक घंटे का सफर अभी आगे है, तो अभी हम रास्ते में बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल ऊपर हो जाना माता रानी नो साड़ी नानी ने ऑर्डर देता, तो हूँ माता रानी नू मनना पैना, सियाणियां दा ऑर्डर माता नू मनना पैंदा, तो माता ही मनणगे। और चलिए फिर रास्ते मिलेंगे अभी बिहू को, वो घर पे था तो उनका प्लान था कहीं जाने का, लेकिन वो ड्रॉप हो गया, तो अभी वो हमारे साथ ही कंटिन्यू कर रहा है। तो हमारे मामा जी कर रहे हैं ड्राइव, ड्राइव पायलट हमें 10 मिनट में हम उन्ना पहुंच गए, तो जिस हिसाब से ड्राइव कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम नेक्स्ट 45 मिनट में हम चिंतपुनी पहुंच जाएंगे। दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं, माता का मंदिर ज़्यादा दूर नहीं। तो चलिए फिर निकल रहे हैं, अभी उन्ना से निकल रहे हैं आगे। तो हमने बीबू को कर लिया है पिक, वो है हमारे साथ, तो आए पीछे नानी जी हो गए, सफर ट्रैवल ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़े से नानी जी हो गए परेशान। एक तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे रोड, तीखे मोड़ है, पहाड़ों पे मोड़ है, तो थोड़ा सा बुजुर्गों का हो ही जाता है, डिस्टर्ब हो ही जाता है, इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते वो। आपको दिखाते हैं यहाँ के रोड, यहाँ के मोड़, तीखे मोड़, और आते हुए हो सकता है कि हम पहाड़ी धाम भी खाएंगे, और बिबू को भी पहाड़ी, बिबू आपने कभी खाया पहाड़ी धाम, यहाँ पे कांगड़े के पहाड़ी धाम, पहाड़ी धाम भी हम कहीं मिलते होंगे तो वो भी खाएंगे, क्योंकि मेरा दिल भी है काफी टाइम से पहाड़ी धाम नहीं खाए, तो वो भी खाएंगे। आपको दिखाते हैं अभी रोड, ये देखें हमारी माता श्री अभी पहुंचे नहीं है, बीमार पहले होने लग गए, चिंतपुर्णी अभी पहुंचने वाले हैं हम, बस 4-5 किलोमीटर रह गया। लेकिन मम्मी को लगता है सफर, मम्मी सफर कम ही करते हैं, कहीं जाना हो तो भाई मुश्किल से ही, भाई नींबू ये वो अगर आप देखेंगे तो मम्मी ने बैग रखा हुआ है, जैसे आपको बताया पेठा ये वो बहुत सारी चीजें तो आपको मिलेंगी। और नानी हमारी साथ है, तो वो कहते हैं ना नानी, नानी का नुस्खा, नुस्खा नुस्खा नानी का नुस्खा मम्मी अपनाएंगी अभी।
और ये पहाड़ों का ऐसा है कि ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मोड़ यहाँ पे है बड़े छोटे से मोड़, और देखिए ट्रक हमारे आगे लग गया है, तो 5 मिनट से हम बस इसी में फर्स्ट गियर में ही चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड पास लेना हो जाता है मुश्किल। और तो यही है भाई एडवाइस कि जब पहाड़ों में जाएं बिल्कुल सेफ ड्राइव करें अच्छे से। मामा जी तो हमारे एक्सपीरियंस है काफ़ी, बड़े आराम से धीरे से हम चल रहे हैं, तो पहाड़ों में ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। और एक आपको और चीज़ दिखाऊंगा हमारे, ये देखिए भाई साहब, यार ये जो बाइक में ओवरलोडिंग वगैरह होती है ना, ये ना करें। हम मानते हैं कि जरूरतमंद है, लोग काम करते हैं, बट लेकिन ये चीज़ देखिए जो आपको दिखाई, ये चीज़ बड़ी डेंजरस है। खुद की जान तो आपकी इस रिस्क में है ये, और आप साथ वालों की भी, मतलब कुछ भी किसी भी चीजों को, ये मतलब दुर्घटना को इनविटेशन है ये सीधा सीधा। मोड पे डबल कैसे करेगा, हैंडल पे तो सामान रखा हुआ है भाई, तो भाई ये चीजें बड़ी रिस्की है। तो जो भी भाई लोग ये देखते हो भाई, इस चीज का ख्याल रखें, बाइकों पे ऐसी ओवरलोडिंग ना करें, स्पेशली पहाड़ों पे। मोड देखे कैसे तीखे मोड़ है, साइनेज लगे हुए हैं, तो ये जो एक्सीडेंटल जोन्स हैं, ये यहाँ पे लोग बड़ी तेजी से आते हैं, बड़े ध्यान से ड्राइव करें, बी सेफ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, ये भरवाई, यहाँ से एक रास्ता चला जाएगा माता ज्वाला जी की तरफ, यहाँ से सामने आप बोर्ड देखेंगे, हमने वो देखी बोर्ड, इस तरफ चला गया ज्वाला जी, लेकिन हमने जाना है चित्रपुरनी, हम जाएंगे लेफ्ट, हमने लेफ्ट ले लिया, ये जय मां चित्रपुरनी, जय मां श्री नमस्तिका। तो हम जब मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो पार्किंग हमारे जैसे ना नहीं है, तो हमने रिक्वेस्ट की पुलिस से कि भाई हमें जाने दे, तो हम आगे निकल गए, क्योंकि नानी को इतना दूर लेके आना मुश्किल था। तो अभी हम देखें आप रश कितना है, यहाँ पे सिंगल रोड है, वैसे साइड लेनी मुश्किल है, तो रश इन दिनों में भी काफ़ी है। हम जा रहे हैं अभी मंदिर की तरफ, तो हमने प्रसाद देखे ले लिया है, तो हमने प्रसाद ले लिया, मम्मी तो यहाँ पे, नानी जी भी बैठे हुए हैं। हम बड़ा धन्यवाद करते हैं पुलिस प्रशासन का, उन्होंने बड़ी हेल्प की, हमने बताया उन्होंने अपनी कंडीशन बताई हमने उन्हें कि नानी जी से चला नहीं जाता, तो उन्होंने मदद की, उन्होंने कहा कि यहाँ तक ले जाओ गाड़ी, यहाँ से जो है हार्डली 5 मिनट का जो है वे है, तो यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और नानी जी भी आराम से जा सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने प्रसाद ले लिया, तो अभी हम जा रहे हैं माथा टेकने के लिए। तो हमने माता भी टेक लिया, क्या हुआ कि यहाँ पे मैं नानी जी के साथ था, तो मुझे अलग कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने बैक से एंट्री की थी, क्योंकि नानी जी के साथ सिर्फ एक ही बंदा जा सकता था, तो फिर मैं आ गया और मम्मी मामा जी और वो जो थे वो दूसरी तरफ से, वो जो मेन एंट्रेंस है उस तरफ से काफ़ी लंबा पड़ गया उन्होंने, जितने में मेरा फ़ोन रह गया उसके पास, वरना मैं काफ़ी वीडियोज़ बनाता, तो कितना भी था मतलब बहुत अच्छा व्यू था यहाँ पे, बहुत अच्छा मतलब दृश्य था यहाँ पे, जब हमने माथा टेक रहे थे, माता जी को भोग लगा, आरती हुई, बहुत अच्छा एक सुकून मिल रहा था, तो काफ़ी अच्छा वो एक्सपीरियंस रहा, मतलब आई कांट से, मतलब वॉज माई फर्स्ट टाइम कि ऐसा मुझे फील हुआ यहाँ पे, तो बहुत अच्छा था। तो अभी हमने माथा टेक लिया, तो अभी हम वापस जा रहे हैं फिर यहाँ से माथा टेक के फिर से। अभी हम जा रहे हैं वापस, हमने माथा लिया
ठीक, नानी ने भी सबने माथा टेक लिया बड़े अच्छे से। तो वहाँ पे हुआ क्या था कि नानी को हमने बैक एंट्रेंस जो पीछे का रास्ता था वहाँ से हमने एंट्री की, और मैं था नानी के साथ, तो मामा ही मम्मी और अलग हो गए थे, मेरा फ़ोन था उसके पास, तो हम फ़ोन में इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इनको लाइन के थ्रू आना पड़ा, और क्योंकि नानी से ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते तो उन्होंने, पुलिस वालों ने हमें अलाउ कर दिया था कि आप इधर से जा सकते हो, तो हम चले गए थे। तो मैं बता रहा था कि जब नानी से चला नहीं जाता तो उन्होंने हमें, पुलिस ने अलाउ कर दिया, फिर हमने माथा टेका, काफ़ी टाइम हमने मंदिर में स्पेंड किया। लकीली बोल लें कि 12 बज गए थे, मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है, 12 से 12:30 बजे के बीच तक माता का भोग लगता है, तो इतने में हम वहाँ बैठे थे, तो आनंद लिया पूरा, बैठे थे, बारिश भी हुई और बर्फ भी गिर रही थी, बर्फ़ के ओले ज़्यादा बड़े नहीं थे, थोड़ी देर के लिए, बट लेकिन पता चल गया कि भाई माता का जो आने का था वो सफल हो गया, कह ले क्या था, लेकिन बहुत अच्छा रहा सफ़र, अच्छा रहा। नानी ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए, पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छे से था वहाँ पे, उन्होंने हमें अलाउ किया, हमारे बुजुर्गों की उन्होंने देख के, उनसे चला नहीं जाता, उन्होंने हमें जहाँ भी नीडेड हेल्प थी उन्होंने दी हमें, इट वॉज़ रियली ग्रेटफुल, तो हम बड़े धन्यवादी हैं उनके। तो हम वापस जा रहे हैं, तो हमने प्लान बनाया कि हम रास्ते में खाएंगे कांगड़ी धाम, भोग बहुत जोरों से लगी है, और कांगड़ी धाम सुनते ही मुँह में पानी से आ गया, क्योंकि मुझे मदरा बहुत पसंद है, तो मम्मी हमारी भी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। तो ठीक है, फिर अभी देखते हैं रास्ते में कहाँ कांगड़ी धाम मिलेंगे हमें, तो हम वहाँ पे खाएंगे।